अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? सब खैरियत से है। रमज़ान शुरू हो चुका है, आप सबको पता है, और रमज़ान में ज़िंदगी लूप पे लग जाती है, वही रूटीन रहती है, एक ही सुबह शाम वाली। तो हमने थोड़ा सा ये लूप तोड़ा है आज। तो आज हमारी एक ग्रुप के साथ अफ्तारी है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप पर अफ्तारी है जी। आज हमारी डिनर भी है, अफ्तारी भी है, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। टाइम हो चुका है, मैं ऑलवेज़ लेट जिस तरह होता हूँ हमेशा से। तो अभी आपको मिलूंगा वहीं जाके, लोकेशन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा होटल का, अगर पसंद आया देख लेना। अफ्तारी शफ्तारी करने भी बड़ा रीज़नेबल है। तो अब मिलते हैं आपको होटल में, वहाँ पे बॉयज़ पहुँचे होंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। होटल के बाहर खड़े हुए हैं हम, शोर थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये साथ ही हमारे, ये देखें मेन रोड चल रही है, आई जे पी रोड, ये PSO पंप है, ये जी होटल की बिल्डिंग है। रूफ टॉप पे हमने प्रोग्राम किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें लड़के आ चुके हैं जी सारे, चेक करें जी लाइनअप, सारे बाइक लगा हुआ है जी, माशाल्लाह बहुत बाइक आए हैं आज, सारे नीचे ही खड़े हुए हैं, अभी बस ऊपर हम जाने वाले हैं। ये चेक करें, बहुत खूबसूरत लाइनअप हुआ हुआ है। तो ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह वो होटल का माहौल भी, और उसके बाद अफ्तारी के भी आइटम दिखाता हूँ, उसके बाद एंड पे आपको रेट भी बताऊँगा कि किस रेट पे है ये। तो हम बॉयज़ ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है, लेकिन अगर आप एक दो बंदे भी आते हैं तो जो रेट इनका है वो इतना कोई खास हाई नहीं है रेट। तो चलते हैं ऊपर जी, फिर ऊपर जाके आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। नीचे पीस कॉन्टिनेंटल होटल का नाम है, और ऊपर जो रूफ टॉप है वो हमारा है जी ज़ीरो ग्रेविटी के नाम से, वहाँ पे हमारी अफ्तारी है एक्चुअली। जी ये आपको दिखाएं अभी कुछ शॉर्ट्स मैंने, इसमें जुनेद भाई जो है यहाँ के ओनर हैं, जो ओनरशिप है जिनके पास इसकी ज़ीरो ग्रेविटी की भी और पीस कॉन्टिनेंटल की भी, उनसे वो खड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं और आपको थोड़ा सा रेट्स वगैरह का भी आइडिया देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैर से? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा जुनेद भाई, ये आप ऑन कर रहे हैं? तो अल्लाह की है, हम तो मुलाजिम में छोटे से। अच्छा मतलब आप मैनेजमेंट आपके पास है सारे? हाँ जी मैं करता हूँ। अच्छा मेरे अफ्तार बुफे वगैरह जो मतलब रैंडम पर्सन जो आना चाहे, अभी भी राइट नाउ आपके जो पूरी तो टीम आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे पास जो है वो अपने गेस्ट भी आए हुए हैं। अच्छा, वो भी साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जो है वो अफ्तार प्लेटर यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं हम। अच्छा ये आप देखें, और हम इसमें जो है वो चिकन रोल भी दे रहे हैं, आलू समोसा भी दे रहे हैं, चिकन चाट, क्रीम चाट, डेट्स, और साथ में जो है वो फ्राइज भी दे रहे हैं। अच्छा, और जो शरबत है वो रिफिलर, नो प्रॉब्लम, जितना मर्जी। अच्छा अच्छा, और हमारे रेट भी जो है वो आपके सामने है, कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोस रेट पे जाएंगे, कि सारे यहाँ पे आए ना, इसमें कोई फ़र्क ना हो कि अमीर गरीब, हम कहते हैं यार सारे हैं, सबको ये अफोर्डेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बहुत रीज़नेबल है वो। आप कंपैरेटिवली देखें, आप बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद और पिंडी के बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर में है तो एक सड़क क्रॉस करके तो इस्लामाबाद है, इस साइड से पिंडी है। और नहीं ये बड़ा इन्वायरमेंट भी बड़ा जो है ना खूबसूरत है, बहुत मज़े का आपका जो है ना ये मुझे लगा है सेटअप सारा, बड़ा एरी सा भी है और व्यू भी इसका काफ़ी वाइड व्यू आता है ऊपर से टॉप से। ये इसलिए जो है वो मैंने रखा है सामने ओपन, ताकि हम लोग जो है वो ये ना किसी को दिखाएं कि हम डब्बे में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैंने इसलिए जो है वो रूफ टॉप को जो है वो थोड़ा खुला माहौल दिया, कि ताकि सामने आपको आउटडोर जो है वो सब कुछ नज़र आए। अभी आप देख रहे हैं आपको जो है वो सामने जो है ना पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं,
यहाँ से आप देख रहे हो इस्लामाबाद में आपको हम हालांकि अंदर खड़े हुए अभी राइट नाउ, लेकिन आपको फैसल मस्जिद के मीनार सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही मैं देख रहा था। और अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा और बताएं कि इसके अलावा डिनर वगैरह भी आपके पास फिर होते हैं? या हम लोग जो है वो देसी में और फास्ट फूड में दोनों में चला हुए दोनों में डील करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम लोग सर भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक। हम लोग जो है वो बर्गर अच्छा और पिज़्ज़ा पास्ता वट एवर यू वॉन्ट टू ईट प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखें, देसी में हम लोग के पास जो है वो हम कढ़ाई बिरयानी अच्छा और पुलाव, यानी कि जो आपको चाहिए जो चाहिए बन जाएगा, एक ही जगह पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, फास्ट फूड भी मिलेगा और इंशाल्लाह ज़बरदस्त मिलेंगी। आप पहले भी यहाँ पे जो है वो खा के देखे जी, जी, पहले तो अब आपको जब देगा आपको टेस्ट इंशाल्लाह वही मिलेगा आपको बिल्कुल। अच्छा ये क्या इधर शोर की आवाज़ें आ रही है? किचन है, किचन है, ये भी हमारा किचन है। इधर क्या हमारी अफ्तारियाँ तैयार हो रही हैं? यहाँ पे आप जो है वो अफ्तारियाँ तैयार करते हैं, देखिए माशाल्लाह लड़के जो है लगे हुए। अच्छा ये अंदर सारी जी सेटिंग हो रही ये है, सारी हमारी जो सेटिंग चल रही है। किचन में ले आए हैं वैसे, ले के नहीं आते होते रेस्टोरेंट वाले? आप लोग हमारे दोस्त हैं भाई हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारे देसी शेफ है। अच्छा और माशाल्लाह ये सारा जो वो ये लोगों ने तैयार किए। अच्छा ये किचन है, यहाँ पे ये सारे ओवन वगैरह भी, फास्ट फूड का सेटअप भी सारा यहीं पे है। जबरदस्त किचन मैंने हवादार बड़ा जो है वो रखा हुआ है। अच्छा ये साथ ही जी किचन है जी, इसमें वो ढका छुपा किचन नहीं है जहाँ पे जो है ना अल्लाह माफी दे कोई अंदर कुछ हो रहा है, कहीं और से आ रहा है, और से कहीं से नहीं आ रहा, हम लोग लाइव बना रहे हैं। बिल्कुल ये सिटिंग है और ये साथ ही यहाँ पे ये किचन है और ये लिफ्ट है, इस साइड पे स्टेयर्स है, लिफ्ट है इस साइड पे, तो फोर्थ फ्लोर पे है जी ये, बहुत ज़बरदस्त है। ओके जुनेद भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, अभी हम ये खाते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह रिव्यू देते हैं इसका। थैंक यू। सती साहब माहौल कैसा है, सही है यहाँ पे? नहीं नहीं बड़ा जबरदस्त जी, बड़ा इजी माहौल है और अच्छी बात यह है कि प्राइवेसी अपने लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी मजे की चीज़ है ना, अगर साहब पसंद आया जबरदस्त, मैंने कहा रिव्यू ले लूँ आप लोग। शेख साहब आप बताएं। सर मैं कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी लोकेशन पर और बहुत अच्छी सोच के साथ ये जगह, यानी इस जगह आने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारी अपनी सारी गैदरिंग है, सब अपने लोग मौजूद हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी इफ्तारी हो गई है जी, आपको दिखाया जितना पॉसिबल था दिखाना, एक्चुअली इफ्तारी में आपको पता है जो है ना ख़ुद भी बंदे को भूख लगी होती है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका, तो बस अब हम निकल रहे हैं। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा रेस्टोरेंट काफ़ी खाली खाली, तो बड़े मज़े का टेस्ट था जी, बिरयानी वगैरह भी हमने खाई है और चाय वगैरह भी अभी पी है। अब बस हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सहरी के साथ, हमारी एक सहरी है। रमज़ान में एक्चुअली वीडियोज़ होती नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी मैं बना सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद आपको प्रॉपर जो है ना डेस्टिनेशंस नई नई और बड़ी मज़े मज़े के टूर्स आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।